ओके तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर फुल कोर्स इन जीकॉन के एमसीक्यूज थे, हम इंग्लिश की डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है आवर मदर डे शी वाज गिफ्टेड अ नेकलेस मेड ऑफ, हम यूज करते हैं ठीक है। द नूडल्स वर मेड बाय हैंड होता है हमारे पास ठीक है। और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, लाफर हमारे पास जो है ना इट्स अ नाउन और नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तो यही सी वाला हमारे, बाकी लाफ लाफिंग ये रॉन्ग है ठीक है। जॉर्ज आस्क मी टू मीट ही मिडनाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट हम यूज करते हैं। 81 है क्वाइट टू माई सरप्राइज आई फाउंड अली गोइंग टूवर्ड बस स्टेशन होता है बस स्टेशन की तरफ ठीक है, कोई डायरेक्शन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास, तो देखो ना करेक्ट, इट वॉज अ फेमस र्यूमर दैट ही रन फास्टर देन आई, सब्जेक्टिव केस देन के बाद लगता है। द ज्यूरी सिंगुलर है, द ज्यूरी इज गिविंग गोइंग टू ईच, फिर सिंगुलर है तो क्या आएगा, ईच ऑफ यू ऑल हैज, इस तो नहीं आ सकता ना, हैज टू, इज टू सबमिट तो नहीं होता, हैज टू सबमिट असाइन बिफोर द एंड। और चूज द करेक्ट आई, इसमें फिर आई एन जी वाले फॉर्म आ जाते हैं ठीक है। आइदर, फिर अगेन देखो ना आइदर आर के साथ हम जो नज़दीक वाला होता है, अब आई नज़दीक वाला, आई के साथ क्या लगता है हमारे पास, हैव लगता है, एक हमने छोड़ दिया। 85 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडियल है ना वो तो आइडियल होता है, उसके साथ फिर हम कोई फॉर्म नहीं लगाते, मोस्ट जैसे परफेक्ट हो गया, परफेक्ट फॉर्म मोस्ट परफेक्ट नहीं कह सकते ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 87 है मेरे पास के द क्रिपल्ड मैन, तो फिर सिंगुलर है, सिंगुलर लगेगा, इसमें गोस करेक्ट है ठीक है। देखो ना जुमले के साथ बनता भी गोज ही है, टू वर्ड फॉर गोस टू, इस टू तो नहीं हो सकता। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट की इन लोगों ने बात की है, तो मैनर प्लेस टाइम आप लोगों ने देखा होगा एडवर्ब कम ठीक है, पहले मैनर होता है परफॉर्म, फिर प्लेस इन द एग्जाम, फिर यस्टरडे टाइम, दैट्स वाई डी करेक्ट। 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज हमारे पास यहाँ पे आएगा ठीक है। और द फिजिस्ट स्पेसिफिक बात है ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 91 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो इसमें हमारे पास हैव कॉजेटिव वर्ब के तौर पर हमारे पास यूज हुआ है ठीक है, तो इसमें हमारे पास अली ना सॉरी अली नहीं, सारा विल हैव द क्लॉथिस वॉश बाय टुमारो ठीक है, किसी से काम करवाना, तो एक तो थर्ड फॉर्म भी हमारे पास आएगा ठीक है, तो सी और ए तो इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, अब डी में भी है बी में भी, यहाँ पे बाय टुमारो नहीं है, दैट्स वाई बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। डेविड इज लर्निंग टू प्ले, पियानो है तो हम इनके साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं ना ठीक है। और फिर है सेम इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन लर्निंग, लैंग्वेज है इसके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं करते ठीक है, तो नो आर्टिकल हमारे पास। एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर बैक द माउंट एवरेस्ट के लिए भी हम कोई वो यूज नहीं करते क्योंकि पहाड़ी सिलसिलों के लिए हम यूज करते हैं, तो नो आर्टिकल और साथ में ओबेशन के साथ क्या आएगा, एन। अच्छा अब लॉजिकल है हमारे पास, लॉजिकल में क्या कह रहा है कि डिफरेंट बताओ, बी के बाद क्या आता है, सी को छोड़ के डी आया है ठीक है, सी के बाद डी आता है बट छोड़ के ई आया है ठीक है, उसी तरह है जी के बाद एच आता है छोड़ के आई आया है ठीक है, अब एन के बाद क्या आता है, ओ आता है ओ को छोड़ के पी, बट इन लोगों ने नहीं लगाया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा 96 देख लो ना, ये कह रहा है कि चिल्ड्रन आर इन द एक लाइन में है हुजली ठीक है, जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, डॉग है जेम्स उसके पीछे है मेरे पास, और रूबी इज़ बिहाइंड जैम, रूबी जो है वो जेम्स के पीछे है मेरे पास ठीक है। और फिर कह रहा है कि रेचल इज़ बिहाइंड रूबी, रेचल जो है ना वो भी है रूबी के बिहाइंड है हमारे पास। मैक्स इज एड हाफ डैग, मैक्स जो है ना वो आगे में है, फिर कह रहा है कि ऐसे जा रहे हैं ये लोग फिर अपोजिट डायरेक्शन में, चिल्ड्रन डॉग्स ठीक है। मैक्स एक टर्न लेता है और फिर क्या करता है, वो रूबी के बिहाइंड आ जाता है, मैक्स यहाँ पर आ जाता है ठीक है। अब कह रहा है क्या हो रहा, अब कहता है कि जो वो जो है ना जेम्स वो इधर डॉग के साथ आ गया, रूबी दूसरी साइड पे आ गया, तो अब बताओ डॉग्स के पीछे कौन रह गया, तो डॉग्स के पीछे ये वाला रह गया है ना, और ये कौन था, ये मैक्स था, तो डी ऑप्शन आपके पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 97 है 5 + 6 = 11, ए 5 से 1 बढ़ाओ 6, 11 से अब 2 बढ़ाओ, 11 में 13 ऐड करो तो 24, 24 से अब 3 बढ़ाओ, 24 में 27 ऐड करो तो 51, 51 से अब 4 बढ़ाओ, 55 ऐड करो तो 106 आपके पास इसमें आता है ठीक है। 98 है आपके पास, उसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन बी है, बी एच के बराबर, एच ग्रेटर देन जी है, तो इट्स मीन ए जी से भी बड़ा है, ए एच से भी बड़ा है, तो यस बोथ कंक्लूजन हमारे पास क्या होंगे, फॉलो होंगे। और इन अ सर्टेन कोड लाउड जो है ना वो कह रहा है, सर्टेन कोड में लाउड को मैं कह रहा हूँ जे क्यू एस एफ,
अब कह रहे हैं पी के क्यू जी दे रहा हूं, अब इसको तुम बनाओ इसका पहला लफ्ज क्या होगा। तो देखो ना, एल को क्या कर रहा है, जे कर रहा है, मीन्स जी दो दो एक कम कर रहा है, ठीक है, जे के एल। तो पी से भी तुम क्या कर दो, पी है ना, पी के बाद क्या आता है, क्यों को छोड़ के आर लगा दो, ठीक है, अब सारों में आ रहा है, इससे तो हमारा काम नहीं चलता। फिर ओ है, ओ के बाद क्या है, इसने लगाया क्यों, पी के छोड़ के क्यों लगाया। इसी तरह इधर देखो ना, यहाँ पे मेरे पास क्या आया हुआ है, के, के से पहले लगाओ क्या होता है, के से पहले होता है जी एच आई आई, ठीक है, तो इधर मैं आई लगा दूंगा, जी को छोड़ के यहाँ पे के है, ये देखो के है, ठीक है। तीसरे में इसने क्या किया हुआ है, यू है, यू, यू के बाद उधर इन लोगों ने एस लगाया, मीन एस ना, टी, एस से इधर किया हुआ है, टी को छोड़ के यू लगाया हुआ, तो इसी तरह मेरे पास इधर ओ है, क्या है, क्यों, तो आर को छोड़ के इधर एस लगाओ, तो आर आई एस कहाँ पे, ए वाले में ही मौजूद है। इसमें देख लो, सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ आएगा, तो ए ऑप्शन भी गया, बी भी गया, फिर डी इंटू ई इंटू एफ इंटू जी आएगा, तो जी इसी में मौजूद है, डी वाला ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।